राशि मोदी, अब आप अंदर आ सकती हैं। ये है आपकी प्रश्न पत्रिका और इसमें आप उत्तर लिखेंगे और पेपर पूरा करने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय है। ओके, गुड लक। गोपी, पेपर शुरू करो। 15 मिनट गुजर चुके हैं। राशि बेन, ये आप क्या कर रही है? जल्दी लिखिए ना, पहले ही बहुत देरी हो गई है। अरे हाँ, ठीक है ना। वैसे भी मैं तेरी तरह थोड़ी हूँ जो इतने धीरे धीरे लिखूंगी। अच्छा तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प अक्षर से शुरू होने वाले 4 शब्द लिखो। अच्छा बोल, क्या लिखना है? पान, पंखा, पंछी और पवन। तो प, फिर आ की मात्रा और न, पान। अभी पंछी, प लिखे, प पर बिंदी और छ, छ पे बड़ी ई की मात्रा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, सिर्फ बिंदी। ओ अच्छा अच्छा राशि बेन, जल्दी करिए ना। अरे मिटाई तो रही हूं ना, ये मिटाऊंगी तब तो नया लिखूंगी। अब बोल। हाँ, दूसरा प्रश्न, संपूर्ण व्यंजन लिखो। लिखे क, ख, ग, घ, ड, फिर च। इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रही है? धीरे धीरे बोलना, लिखने तो दे मुझे। अच्छा ख, ग, घ, ड। ये पेंसिल तो टूट गई, रुक शार्पनर दे। राशि बेन ये लीजिए, थोड़ा ध्यान से। अगला प्रश्न, मेरा घर विषय पर निबंध लिखो। ठीक है मैं आपको बोलती हूँ, आप लिखिए। इसे तो ये भी आता है, ऐसे तो ये पास हो जाएगी। मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूँ? मम्मी कुछ बता पाएंगी। मेरा घर बहुत बड़ा है, उसमें 8 कमरे हैं। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। पेंसिल भी तो टूट गई, ये क्या ले आई है तू? दे अब शार्पनर दे। राशि
राशिबेन थोड़ा जल्दी करिए ना, बस एक ही घंटा बाकी है। अरे हाँ कर तो रही हूँ, अब ये पेंसिल टूट गई तो इसमें मेरी क्या गलती है। अरे वाह, एक तो मैं तेरी मदद कर रही हूँ और ऊपर से तू मुझे ही सुना रही है। नहीं राशिबेन ऐसी बात नहीं है। देख तुझसे ज्यादा परेशान ना मैं हूँ, अगर तू एग्जाम में फेल हो गई ना तो काकी जी मुझे मार डालेंगे। हाँ अब रुक, हो गया, बोल क्या लिखना है। मेरे परिवार में 15 जन हैं और सब लोग बड़े प्रेम से रहते हैं। गोपी मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। राशिबेन ये निबंध पूरा करके जाइए ना। नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं आती हूँ ना। राशिबेन दिखरा, बोल हो गई परीक्षा? नहीं मम्मी वही तो परेशानी है। अबे शो था मम्मी, इस गोपी गवार को सब कुछ आता है, ऐसा तो वो फेल नहीं होने वाली। हाँ? 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 मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अच्छा अब तो ये बता कि तू है किधर और टाइम कितना बचा है। मैं अभी वॉशरूम आई हूँ और 1.5 घंटा बाकी है। एक काम कर, अपने आप को अंदर बंद करके कड़ी तोड़ी ना और अंदर ही बैठ जा, बस इसी में टाइम पूरा। हाँ मम्मी ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये अच्छा है, ये करती हूँ मैं अब। अच्छा बाय एंड थैंक यू। जय श्री कृष्ण। बोल। हेलो मम्मी, मैंने अपने आप को यहाँ बाथरूम में बंद कर लिया, लेकिन यहाँ कितना गंदा है। ये दिख रहा फक्त 2 कलाक नहीं तो वार छे। हाँ मम्मी लेकिन फिर भी। कौन है अंदर? अब वो मैं राशि मोदी हूँ, वो मैं यहाँ आई थी और ये कड़ी नहीं खुल रही है। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ। हाँ ठाकुर जी मेरी राशि की रक्षा करना। अब आपके पास सिर्फ 1/2 घंटा बचा है। सिर्फ 1/2 घंटा बचा है? इसे यहां से कैसे भगाऊं? अरे आप तो गोपी की बहन है ना और उसकी मदद करने के लिए आई थी। जी जी वो मैं 1/2 घंटा बाकी है एग्जाम खत्म होने में, जल्दी जाइए। अरे क्या कर रही है, जल्दी जाइए ना। जी अब आपके पास सिर्फ 20 मिनट बचे। राशिबेन जल्दी आइए। आ रही हूँ ना। ये लीजिए सिर्फ 20 मिनट ही बाकी राशिबेन, जल्दी लिखिए। अरे हाँ तुझे पता है मैं वहां बाथरूम में लॉक हो गई थी, मैं कितनी घबरा गई थी, चिल्ला रही थी मैं, कितनी कितनी चिल्लाई मैं, फिर
फिर एक टीचर ने मेरी आवाज सुनी, उन्होंने आके मेरी मदद की, तभी तो मैं बाहर निकल पाई। माफ करिए राशि बेन, मेरी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। नहीं ठीक है, अब बता क्या लिखना है। अगला प्रश्न। मेरे निबंध पूरा करना है ना, मेरा घर। अच्छा हाँ। मेरे घर में माँ जी, पापा जी, बस हो गया, अगला प्रश्न नहीं लिखना है क्या? रेगिस्तान में कौन सा पौधा उगता है? आखिर की 5 मिनट बाकी है अब आपके पास। देख टाइम नहीं बचा है, जल्दी बोल। हाँ गुलाब। अगला प्रश्न। अपने विद्यालय के बारे में निबंध लिखिए। मेरा विद्यालय बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी कक्षाएं हैं। आपका समय समाप्त हो चुका है। चलो आंसर पेपर मुझे दो। प्रश्न अभी बाकी है, मेरा पर्चा पूरा नहीं हुआ, अब मैं परीक्षा में पास होंगी या फेल होंगी? हाँ वो तो है, तेरा पास होना मुश्किल ही लग रहा है।